वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था फर्स्ट लेक्चर में, फॉर्मेट स्पेसिफिकेशंस। ये बुक में वी राजा रमन की कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इन फोर्ट्रान 1995 बुक में चैप्टर 11 है। जब हमने इसमें पहली पेज हम खोलते हैं तो वहां मैंने लिखा हुआ है 2018 में 8 नंबर का क्वेश्चन आया है, नोटेबल पॉइंट्स विच शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल यूजिंग फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन फॉर प्रिंट स्टेटमेंट्स। और 2017 में भी ये 8 नंबर का रिपीट हुआ था, 17-18 में आ गया। अब यहीं पर मैंने यही क्वेश्चन 2014 में लिखा, 16 नंबर का, एक्सप्लेन फॉर्मेट डिस्क्रिप्शन फॉर न्यूमेरिकल डाटा फॉर रीड एंड प्रिंट स्टेटमेंट। रीड और प्रिंट दोनों का आया तो 16 नंबर का आया 2014 में। फिर मैं लिखती हूँ 2020 में, फिर 8 नंबर का आता है, डिस्कस द नोटेबल पॉइंट्स विच शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल यूजिंग फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन फॉर प्रिंट स्टेटमेंट। ज्यादा प्रिंट आ रहा है, ज्यादा पेपर में जो क्वेश्चन आ रहा है वो प्रिंट के लिए फॉर्मेट पे आ रहा है और 8 नंबर में आ रहा है। प्रिंट स्टेटमेंट और फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन के लिए क्या क्या पॉइंट्स माइंड में रखने हैं, 2020 में भी आया है 8 नंबर का, और 21 के पेपर में भी शायद आया हो, जो हमारा पिछले साल का पेपर हुआ है ना लेट, मतलब अभी एक पेपर, एनी हाउ अभी हम अपने टॉपिक पे कंसर्न्ड है, फालतू इधर उधर नहीं भटकते। ठीक है, तो रीड स्टेटमेंट के लिए हमने स्टार्ट किया था, हमारा लेक्चर स्टार्ट हुआ था पिछला, तो मुझे थोड़ा हल्का सा बताना पड़ेगा क्योंकि मैं तुम्हारे हालात जान चुकी हूँ अभी अभी, तुमने कुछ रिवाइज नहीं किया। लिस्ट, रिकॉर्ड, फील्ड, उस दिन मैंने 3 बातें बोली थी। लिस्ट होती है, जैसे ये आपके पास रीड स्टेटमेंट दिख रही है स्क्रीन पर, आपको 5 के बाद ए बी और एन, ये लिस्ट है। अगर मैं यहाँ लिखती हूँ रीड स्टार कॉमा ए बी एन, ये लिस्ट होती है। फिर मैंने उस दिन आपको क्या कहा था कि ये स्टार और कॉमा नहीं लगाएंगे, अब हम फॉर्मेट कर रहे हैं, तो रीड के बाद 5 लगा दिया। 5 का मतलब 5 नंबर स्टेटमेंट पर जाएगा और वहां देखेगा फॉर्मेट क्या है। तो फॉर्मेट ब्रैकेट, ए का मान लो हमने दिया I6, बी का सपोज I8 और एन का I2। तो I इंटीजर होता था, इसका मतलब था I को यहाँ 6 जगह इसकी फिक्स है, यहाँ 8 और यहाँ 2। ये फील्ड है, हर एक ये फील्ड है, अलग अलग, ये भी फील्ड है, ये भी फील्ड है। और ये जो पूरा टाइप होता है, जब स्क्रीन पर ये टाइप होएगा, ये एक रिकॉर्ड बनेगा, टाइप्ड। ठीक है, अब फॉर्मेट में मैंने आपको रीड में 3 फॉर्मेट्स बोले थे। एक था, सबसे पहले बताया था एफ, रियल के लिए। एफ में क्या होता था, डब्ल्यू डेसिमल डी, डब्ल्यू थी टोटल विड्थ और डी होता था डेसिमल के बाद के डिजिट्स, डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। जैसे कि मैं ऊपर वाले में ही अगर मैं लिखती हूँ रीड 10 ए बी एन, और फिर मैं 10 पर फॉर्मेट देती हूँ, को मान लो दे दिया एफ 8.4, बी को दे दिया एफ 6.2 और एन को दे दिया I2। तो इसका मतलब है ए के पास 8 जगह हैं, उनमें से दशमलव के बाद 4 जगह फिक्स हैं, यानी ये तो डेसिमल के बाद के लिए फिक्स होगी। डेसिमल यहाँ आ गया, डेसिमल से पहले को 3 ही प्लेसेस मिले। 6.2 का मीनिंग क्या है, इसका मतलब है 6 जगह, 3 4 5 6 डेसिमल के बाद को 2 प्लेसेस मिल रहे हैं और 3 प्लेसेस शुरू के मिल गए बिफोर डेसिमल। और I2 का मतलब 2 प्लेसेस है और इंटीजर है ये। तो ये था दूसरा। तीसरा फॉर्मेट सिखाया था ई डब्ल्यू डेसिमल डी। ई डब्ल्यू डेसिमल डी में डब्ल्यू विड्थ होती थी टोटल विड्थ,
टोटल विड्थ होती है कि भी सब मिला जुला के जो चौड़ाई है, आठ आठ ही प्लेसेस मिलेंगे। और डी था सॉरी, इसमें हम क्या कहते थे, डी वही होता है डेसिमल के बाद के डिजिट्स, डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। और ई जो है ये एक्सपोनेंशियल के लिए यूज होता था, तो है ये भी रियल नंबर्स ही। एक्सपोनेंशियल में क्या होता था, एक कैपिटल ई जगह खा जाता है, एक कोई निशान प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, फिर जी दो डिजिट्स का हो सकता है, यहाँ 04 या 24, दो डिजिट्स ज्यादा से ज्यादा अलाउड है, मतलब यहाँ कुछ भी हो सकते हैं, मान लो 11 या 19। ठीक है, तो ये चार प्लेसेस तो ई ने ले लिए, एक निशान के लिए, एक कैपिटल ई, और ये दो डिजिट्स। ये पावर के लिए होता है, इसका मीनिंग होता है 10 की इतनी पावर, जैसे इसका मतलब है 10 की पावर 4, इसका मतलब है 10 की पावर 24, इसका मतलब है 10 की पावर 11, इसका मतलब है 10 की पावर 19, जो निशान होगा वो पावर में। तो चार प्लेसेस तो यही खत्म हो गए। अब उससे पहले मान लो मैं कह रही हूँ कि ई 10.3, मैं डेसिमल के बाद तीन प्लेसेस कह रही हूँ, तो 10 प्लेसेस टोटल बोल रही हूँ। यहाँ बनाते हैं, 10 प्लेसेस बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में से चार तो पहले एक्सपोनेंट को ही दे दो, ई माइनस 0.5 हो गया। अब डेसिमल के बाद तीन प्लेसेस डेसिमल के बाद की डिजिट्स के लिए फिक्स हो गए, एक प्लेस डेसिमल ने खा लिया, तो दो ही बचे शुरू वालों के लिए बिफोर डेसिमल, मतलब यहाँ मैं 26.875 लिख सकती हूँ। ठीक है, अगर मुझे 268.75 लिखना हो तो नहीं लिख सकती। तो ये हमारा इतना 10 जगह देने के बाद भी ये हालात है, क्योंकि एक्सपोनेंट ही चार प्लेसेस ले लेता है, फोर प्लेसेस तो एक्सपोनेंट के लिए ही फिक्स्ड हो गए, तो इसके पास तो 6 ही बचे। 6 में से मैंने 10.3 बोला, तो डेसिमल के बाद के तीन प्लेसेस पहले ही फिक्स हो गए, डेसिमल अपनी जगह पे फिट हो गया, कि डेसिमल यहाँ आके रुक गया, अटक गया, कि भाई इधर डेसिमल के बाद वाले आएंगे, इधर पहले वाले आएंगे, अब डेसिमल को तो हिला नहीं सकते, तो अब फिक्स हो गया कि डेसिमल से पहले 2 ही प्लेसेस हैं और डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस हैं। तो ये ई था, ई डब्ल्यू डेसिमल डी। तो हम तीन तरह के फॉर्मेट सीखे थे हमने, आई डी, एफ डब्ल्यू डेसिमल डी, और ई डब्ल्यू डेसिमल डी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये रीड के लिए और प्रिंट के लिए बिल्कुल डिटो सेम है। प्रिंट का पेपर में क्वेश्चन आएगा तो भी ये सारा एक्सप्लेन करना है, रीड का आता है तो भी सारा एक्सप्लेन करना है। यानी जो 2020 में 8 नंबर का क्वेश्चन आया, या 2017 में आया, 18 में प्रिंट का आया, 2017, 18 और 20 प्रिंट के ऊपर आ रहा है, 8 मार्क्स, तो उसमें आपको आईडी के ऊपर पूरा बताना है, एफ डब्ल्यू डेसिमल डी, ई डब्ल्यू डेसिमल डी, तीनों ही बताने हैं। फिर फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना है कि जो काम आप रीड में कह रहे थे वो आप ऐसे कहोगे प्रिंट, मान लो 5, प्रिंट 5, वही लिस्ट ऐसे की ऐसे, कुछ भी नहीं है। अब हमने प्रिंट पर आज फोकस करना है सारी बात को, रीड हम उस दिन कर चुके हैं। तो मैं बुक खोलती हूँ, बुक में आपको दिखाती हूँ, मैंने रिवाइज लाइटली करा दिया आपको सारी बात, इंटीजर्स, रियल्स, एक्सपोनेंट्स। ठीक है, अब देखो, फॉर्मेट डिस्क्रिप्शन फॉर प्रिंट स्टेटमेंट, ये हेडिंग डाला इसने, फॉर्मेट डिस्क्रिप्शन फॉर प्रिंट स्टेटमेंट में कहता है कि पहला पॉइंट सबसे पहले लिखता है, फॉर्मेट स्टेटमेंट्स फॉर प्रिंटिंग आर सिमिलर टू दोज फॉर रीड, रीड और प्रिंट की सिमिलर हैं, सिर्फ फर्क क्या है, पहला पॉइंट रिकॉर्ड लेंथ यानी कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो एक लाइन में प्रिंट होंगे, वन लाइन ऑफ वीडियो, वीडियो किसको कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट का मीनिंग है जो हमारा एक काला स्क्रीन आता है ना, ब्लैक स्क्रीन, वो होती है विजुअल, जो ब्लैक स्क्रीन ही इस टाइम विजुअल डिस्प्ले यूनिट है, वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। उसकी एक लाइन में जो रिकॉर्ड लेंथ है वो ये है, रिकॉर्ड लेंथ यानी कि उसमें 80 कॉलम होते हैं, तो 80 कॉलम जितने ही कैरेक्टर आप टाइप कर सकते हो, प्रिंट ले सकते हो, ये मीनिंग है बस, कोई खास पॉइंट नहीं है ये। बाकी रीड वाला सेम चलेगा, फर्स्ट पॉइंट इतना ही था कि आप मैक्सिमम ब्लैक स्क्रीन पर 80 कॉलम की एक लाइन होती है,
एक लाइन का प्रिंट, मतलब एक लाइन में 80 करेक्टर ही प्रिंट कर पाओगे। अब उसके बाद अगला पॉइंट आता है नंबर टू, ये रहा। फर्स्ट एलिमेंट हमेशा प्रिंटिंग में, जब भी प्रिंट स्टेटमेंट लगेगी तो उसे बोलते हैं कैरेज कंट्रोल। कैरेज कंट्रोल नाम है उसका, मतलब आप सीधा i6, i4, i2 ऐसे स्टार्ट नहीं कर दोगे, उससे पहले आपको एक कैरेज कंट्रोल देना है। जैसे कि आप शुरू में या तो 1x लिख दो, 1x का मतलब एक ब्लैंक खाना छोड़ो, एक ब्लैंक डब्बा छोड़ो। 2x, 2x का मतलब दो ब्लैंक डब्बे छोड़ो। कैरेज कंट्रोल है ये। आप अपना फॉर्मेट शुरू करने से पहले, ए बी और एन का फॉर्मेट शुरू करने से पहले, चाहे तो 1x दे दो, चाहे 2x, ब्लैंक, कुछ भी, ये कैरेज कंट्रोल है। कैरेज कंट्रोल यहाँ उसने कितने बोले हैं, चार, 1 2 3 4। पहले x को समझा हमने, 1x है तो एक ब्लैंक छूटेगा, 2x है तो 2 ब्लैंक, 3x है तो 3 ब्लैंक, 4x है तो 4 ब्लैंक, वो आपकी मर्जी, आप कितना ही एक्स दे दो। अगर आप 0 टाइप कर देते हो कैरेज कंट्रोल, 0 में क्या होगा, डबल स्पेस बिफोर प्रिंटिंग। 1 1 में क्या होता है कि वो कहता है कि अगले पेज पे चले जाओ, इस पेज पे कुछ नहीं लिखना, प्रिंटिंग होगी ही नहीं, अगले पेज से शुरू करो काम। और यहाँ प्लस, प्लस का निशान का मतलब होता है लिखी हुई लाइन के ऊपर ओवर प्रिंट करो। ओवर प्रिंट करना मतलब जो लिखा हुआ है उसी के ऊपर डबल डबल होके लिखा हुआ आएगा, ऐसे जैसे INTEGER है। मान लो इसको ओवर प्रिंट करवाती हूँ तो INTEGER, मान लो आपको इस टाइप का आउटपुट चाहिए डबलिंग में, तो आप प्लस का यूज करेंगे। ठीक है, 1 का यूज कब होगा, जब आप चाहेंगे अगले पेज पे चले जाओ। 0 का यूज कब होगा, जब आप चाहोगे डबल स्पेस छोड़ो। और 1x का मतलब ब्लैंक, एक ब्लैंक या दो ब्लैंक हो गया। तो कुछ भी नहीं बताया हमने तो प्रिंट के लिए, रीड वाला सारा ये 2 पेज लिखने पड़ेंगे आपको पेपर में, जो मैंने उस दिन सिखाया था, ये सारा i6, i4, i2, फिर फ्रैक्शनल का, एफ का, f4.2, f5.2, ये सारा, फिर ई वाला, e8.2, e6.0, ये सब कुछ सारा वहां बताना है। ये प्रिंट के लिए यही का यही आएगा। हो गया यहाँ तक। 2 पॉइंट्स क्या बने, पहला पॉइंट कि एक लाइन में विजुअल डिस्प्ले यूनिट में 80 कॉलम की लाइन होती है तो उतना ही टाइप होएगा जितनी उसकी स्ट्रेंथ है। दूसरी बात कि कैरेज कंट्रोल लगेगा, प्रिंट की स्टेटमेंट्स, जैसे ही फॉर्मेट स्टार्ट होगा तो प्रिंट में फॉर्मेट से पहले कैरेज कंट्रोल लगाओगे। कैरेज कंट्रोल के लिए आपके पास 4 रास्ते हैं, 1x या 2x या 3x, कुछ भी, 0 1 या प्लस। हम सिर्फ x का यूज करते हैं, हम 0 1 प्लस का रेयर ही यूज करते हैं। 1 मार्क में आ जाता है कई बार कि प्लस का यूज क्या होता है, तो डबलिंग के लिए 1 का क्या यूज है कि गो टू नेक्स्ट पेज, 0 का क्या यूज है कि डबल स्पेस, प्रिंटिंग से पहले डबल स्पेस। तो हो गया यहाँ तक। अब बात आती है मेन पॉइंट, वन मस्ट रिमेम्बर व्हाइल राइटिंग फॉर्मेट्स फॉर प्रिंट स्टेटमेंट इज दैट मेमोरी के कंटेंट्स प्रिंट होते हैं इसमें, ठीक है, तो यहाँ थोड़ी जगह फालतू देनी चाहिए। मैं इसको नहीं पढ़ूंगी, मैं आपको बता देती हूँ यहाँ वो क्या लिख रहा है। सॉरी, देखिए वो कह रहा है कि मान लो आपने प्रिंट में फॉर्मेट दे दिया f6.2, f4.3 या 2 i2। 6.2 में क्या होगा, ऐसे 6 जगह है, डेसिमल के बाद की 2 जगह है। मान लो आप लिखना चाह रहे हो, सपोज ये वैल्यू है 438.67, ये वैल्यू है मान लेते हैं 27.35, और ये वैल्यू है 637। i2 में 637 आ ही नहीं सकती, चलो हम 63 मान लेते हैं। तो ये आप कहोगे मैडम आप ऐसी मान ही क्यों रहे हो, ठीक है भाई हम वैसी मान लेते हैं जो आ सकती है, 63।
इसमें 27.35 है, 4.2 है, डेसिमल के बाद 35 तो आ गया, 27 तो आ नहीं सकता। चलो पहले तो आपको मैं साथ साथ ये भी बता रही हूँ ना कि नहीं आ सकती वो चीज। चलो ठीक है, 7.35 मान लिया, और ये है 438.87। अब क्या होता है, लिखा हुआ ऐसे आ जाएगा, 438.67, 7.35, 63। अब कोई कैसे समझे कि ये 670 यहाँ है और ये, कोई इसको दो ही वैल्यू समझ ले तो, जब तक बीच में स्पेसिंग ना हो, ब्लैंक स्पेसेस चाहिए, होना ऐसे चाहिए, लिखा हुआ 438.67, बीच में कम से कम दो तीन खाली डब्बे हो, फिर 7.35, फिर कम से कम दो तीन खाली डब्बे हो, और फिर 63। तो समझने वाला भी समझ जाए कि ये एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू है, ये एक। अब ऐसा करने के लिए कैसा फॉर्मेट दे, खाली डब्बे कैसे आएंगे? खाली डब्बे तब आएंगे अगर आप इसको ही फॉर्मेट में 10 प्लेस दे दो, 10.2, ठीक है? नहीं तो अगर 10.2, क्योंकि डेसिमल के बाद कितनी जीरो आ सकती हैं, आप शुरू में लिख दिया आपने, इसको दे दिया मान लो आपने, इसको भी दे दो 10.3, और इसको भी दे दिया सपोज i4, तो क्या होगा? ये फालतू 10 का मतलब, यहाँ तो 6 जगह चाहिए थी, 10.2 का मतलब 10 जगह में से 4 जगह तो फालतू डब्बे बचे रहेंगे, चाहे आगे छूटेंगे चाहे पीछे छूटेंगे। इसमें भी 10 जगह दे दी, जबकि था ये 4 प्लेसेस का, तो 10 की वजह से यहाँ भी 6 डब्बे तो खाली रहेंगे, तो कहीं ना कहीं तो छूटेंगे वो 6 डब्बे, चाहे 3 आगे 3 पीछे कहीं भी होते रहेंगे एडजस्ट। और इसमें 4 प्लेसेस दे दिए तो 2 डब्बे तो खाली रहेंगे, ब्लैंक हो गए, 63 तो 2 ही जगह में आएगा। तो इस तरह से ये ब्लैंक्स तब बनेंगे जब हम इनको फॉर्मेट ही बढ़ा देंगे। तो वो यही लाइन कह रहा है कि आपको फॉर्मेट प्रिंट में जो ध्यान रखने वाली बात है वो है कि व्हाइल राइटिंग फॉर्मेट फॉर प्रिंट स्टेटमेंट्स, इट शेड बी इन द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी, प्रिंट होने होते हैं, ठीक है? तो इसलिए हमें एनफ कॉलम्स देने चाहिए फॉर्मेट में, ताकि लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर को अकोमोडेट कर सके, साइन को, डेसिमल्स को और लेटर ई को, इन सबको वो मतलब अपनी जगह में शामिल कर सके, और साथ ही कुछ गैप्स भी रहे। तो जब भी इनपुट फॉर्मेट प्लान करो तो कोई खास बात नहीं है, तब तो आप टाइपिंग का एफर्ट कम कर रहे होते हो, लेकिन जो आउटपुट वाला फॉर्मेट है ना, वहां पर आपको कुछ ब्लैंक्स, प्लेंटी ऑफ ब्लैंक कॉलम्स चाहिए, ताकि आप रीडेबल हो सके आपका काम, आपका काम कोई पढ़ सके, टू एड रीडेबिलिटी, ठीक है? तो अब देखते हैं हम, यहाँ थे हम। तो अब वो कहता है कि फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन IW, एफ डब्ल्यू डेसिमल डी और ई डब्ल्यू डेसिमल डी आर यूज्ड विद प्रिंट स्टेटमेंट्स। देखो इस लाइन को ध्यान से पढ़ लो, IW, FW और EW.D ये प्रिंट के लिए यूज होती हैं, W विड्थ ऑफ द फील्ड है। अब उसने ये एग्जांपल दिया है कि मान लो इंटीजर है MJ, रियल है AB, प्रिंट 25 MJAB, लिस्ट क्या है MJA और B, 25 स्टेटमेंट का नंबर है फॉर्मेट वाली, प्रिंट के बाद स्टार और कॉमा नहीं आया, रीड और प्रिंट में कोई फर्क नहीं है, रीड के लिए भी यही तरीका था, प्रिंट के लिए भी यही तरीका, 25 पर फॉर्मेट दे दिया, फॉर्मेट में बस 1x जरूर आएगा, कैरेज कंट्रोल जरूर आएगा, कुछ भी आ जाए, 1x 2x कुछ भी दे दो। फिर I8, I8 किसको मिलेगा फॉर्मेट, MJ को, F10.6 किसको मिलेगा, ए को, E15.8 किसको मिलेगा, बी को, ठीक है? रीडेबिलिटी के लिए आपने थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ पर देखो, अब यहाँ वो क्या कह रहा है, यहाँ कहता है कि जैसे प्रोग्राम शोन बिलो, आई जे के दिख रहा है इंटीजर आपको, यहाँ आई है, देखिए
आई है -12589, जे है 455, के है -48989, प्रिंट 35 आईजे की 35 पर फॉर्मेट दे दिया। अब मैं इसको यही सेम चीज आपको यहाँ बनाकर दिखाती हूँ कि क्या कह रहा है वो। उसने कहा इंटीजर, पहले डिक्लेयर करते हैं हम एमजे, रियल ए बी। इंटीजर एमजे का मतलब है कि आई से होगा इसका फॉर्मेट। फिर मैंने प्रिंट का कह रही हूं मैं, प्रिंट जरूरी नहीं है रीड का फॉर्मेट दो, हो सकता है रीड को फॉर्मेट दो भी ना, आप प्रिंट प्रिंट को फॉर्मेट दे दो, प्रिंट 25, नंबर कुछ भी डाल सकते हो, 5, 10, 15, 10, 20, 25, 30 कुछ भी डाल सकते हो, 19, 38 आपकी मर्जी है। यहाँ लिस्ट आ जाएगी एमजे कॉमा ए कॉमा बी, फिर आप 25 पर लिख रहे हो फॉर्मेट। अब पहले कैरिज कंट्रोल आना जरूरी है 1x। बहुत सारे कंपाइलर हैं जो कैरिज कंट्रोल के बिना भी प्रिंट स्टेटमेंट शुरू कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने कैरिज कंट्रोल नहीं भी डाला तो हमारे बहुत सारे कंपाइलर इसको इग्नोर करते हैं, तो लेकिन हमारी बुक्स बहुत पुरानी छपी हुई हैं तो वो यही लिखती हैं, उसमें भी ये बात लिखी है कि बहुत सारे कंपाइलर इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं बिना कैरिज कंट्रोल के, पुराना ट्रेंड था। एमजे इंटीजर है, इंटीजर का मतलब इसको आई मिलेगा कुछ। अब मैं यहाँ वैल्यूज लिख रही हूँ जो हमने हमें बुक में दी गई है। देखो आई है -125/89, ये 455, और के है 48989, यहाँ आई जे के है, मैंने एमजे गलत लिख दिया, एमजे और भी। चलो -12589, 48989 और 455, -12589, 455 और -48989, ये आई जे और के हैं। अब मैं यहाँ क्या करती हूँ सेम आपकी बुक वाला ही बनाते हैं यहाँ, क्योंकि मैं वही बताना चाह रही हूँ तुम्हें। तो ये तो सारे ही रियल दिख रहे हैं, तो आप इसको रियल में ही ले जाओ, इंटीजर में डालना है जे डाल दो, या आई और के रियल में आ गए। यहाँ आ गया आई जे के, 25 के बाद कॉमा आएगा। अब 1x के बाद आई को देखो, अब क्या दूं फॉर्मेट, इसे फॉर्मेट दिया है जो बुक वाले ने दिया, i6 i4 i5, तीनों इंटीजर लिए हैं इसने, i6 i4 i5, तो मैं इंटीजर में ही डाल देती हूँ आई को जे को के को, ये रियल की लाइन हटा। अब आप देखिए, आप इसको टाइपिंग शुरू करवाइए। 1x यानी ब्लैंक, i6 का मतलब 6 जगह, i4 और फिर i5, आपका -12589, -12589, 455, तो शुरू में ब्लैंक छोड़ेगा वो, पीछे नहीं छोड़ सकता, नहीं तो 4550 हो जाएगा। -48979, किसको कितनी जगह चाहिए, 1 2 3 4 5 6, 6 प्लेसेस चाहिए, या तो 5 ही प्लेसेस दिए हैं, तो यहाँ स्टार स्टार टाइप होके आ जाएगा, क्योंकि जगह कम है। तो वो भी इतना जिद्दी है कि वो कहता है मैं टाइप भी नहीं होता, अधूरा कैसे टाइप होए, सारी कैलकुलेशन ही गलत हो जाएगी। मान लो किसी बंदे की कैलकुलेशन चल रही है, वो सारा ही गलत हो जाएगा, उसका प्रोग्राम आउटपुट गलत हो जाएगी, तो वो एस्ट्रिक्स आ जाएंगे क्योंकि स्पेस कम है, उसको कम से कम 6 स्पेसेस चाहिए थे, -48989, या तो वो ये छोड़े या ये छोड़े, तो वो कहता है कि मैं कुछ भी नहीं छोड़ रहा, मैं यहाँ टाइप ही नहीं हो रहा। तो ये एग्जांपल आपको दिया इसलिए गया है कि अगर आपके कंपाइलर्स जो होते हैं वो अगर स्पेस पूरा नहीं है तो वो एस्ट्रिक्स दे देंगे, लेकिन बहुत सारे कंपाइलर ऐसे भी अब लेटेस्ट हैं जो एस्ट्रिक्स की जगह आधी अधूरी चीज टाइप भी करा देते हैं अपने दिमाग से। ये देखिए, द एस्ट्रिक्स इंडिकेट, एस्ट्रिक्स इंडिकेट दैट एनफ नंबर ऑफ कॉलम्स वर नॉट प्रोवाइडेड बाय द
एस ट्रीज इंडिकेट दैट एनफ नंबर ऑफ कॉलम्स वर नॉट प्रोवाइडेड बाय द फॉर्मेट फॉर द लास्ट इंटीजर. तो आखिरी में ये देखिए आप, एस्ट्रिक्स ये आ गए, उसने उसी उसी पेज पे दिखाए हैं एस्ट्रिक्स ये रहे. दिख रहे हैं एस्ट्रिक्स? तो वो कहता है कि एस्ट्रिक्स बता रहे हैं कि फॉर्मेट प्रॉपर नहीं था. ये होना कैसा चाहिए था, ये I8 I6 I8, मान लो इसी को I8 I6 I8 दे देते, इसी को 25 फॉर्मेट 1x I8 I6 I8 तो क्या होता? पहले 8 जगह, फिर 6, फिर 8. अब देखो -4 8 9 8 9, इसको तो कितनी जगह चाहिए? 6 प्लेसेस चाहिए थे, 2 प्लेसेस बच गए. पीछे तो छोड़ नहीं सकते, आगे छोड़ने पड़ेंगे. ठीक है, तो इसका मतलब है, इसको थोड़ी देर के लिए मिटाते हैं. ठीक, लिखती हूँ मैं, मुझे लिखना पड़ेगा -4 8 9 8 9, ये 2 ब्लैंक. अब 455, 455 भी इधर आएगा, 3 ब्लैंक. उसके बाद इसको कितनी जगह चाहिए? 6 ही जगह चाहिए, ये हमने दे रखी है उसको 8. तो 8 में वो क्या करेगा? पीछे ही आएगा, -125 89, यानी शुरू के 4 डब्बे खाली है, और एक 1x तो पहले ही है 1 डब्बा. तो -125 89, ये क्या किया मैंने? 8 डब्बे थे ना, 8 में से 2 ही खाली जाएंगे. -125 89. अब आपको क्या फायदा हुआ इसमें? ये जो ब्लैंक्स है ना, इसकी वजह से रीडेबिलिटी बढ़ रही है. ये रीडेबिलिटी बढ़ रही है ब्लैंक्स की वजह से, कि बीच में गैप आ गया, कि ये अगला रकम शुरू हो गई है, ये पहली रकम बीच वाली है, ये उससे पहली है. तो बस यही वो उसने इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहा है कि रीडेबिलिटी बढ़ती है अगर ब्लैंक्स ज्यादा होंगे, कि नथिंग बिग. इसके बाद फिर एक और एग्जाम्पल दिया. अगले एग्जाम्पल में उसने कहा रियल एबीसी, ए की वैल्यू ये है, बी की ये है, सी की ये है, और इसमें उसने एफ यूज किया, F7.4 F6.4 F8.6. क्यों वो इस एग्जाम्पल को क्यों कर रहे हैं हम? इसका ऊपर उसने कारण दिया है. टू आउटपुट रियल नंबर्स, फ्रैक्शनल फॉर्म, दो तरह की फॉर्म है, एक फ्रैक्शनल है और एक एक्सपोनेंट है. फ्रैक्शनल फॉर्म यूजफुल होती है कब? जब गुड आइडिया ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ नंबर्स हो स्टोरेज में, नहीं तो ई बेटर है. अगर स्टोरेज छोटी है तो ई बेटर है, क्योंकि ई में आप कितनी पावर में घुसीट दोगे? मान लो डेसिमल से पहले 25 जीरो है, तो आप ई में तो वो पावर 2 डिजिट में ही खत्म हो जाएंगी, 25 पावर माइनस की 25. ठीक है, तो इतनी प्लेस मेमोरी नहीं खाएगी, मेमोरी थोड़ी प्लेस लेगी. जैसे कि अब इसने -193.4589.4589 और ये है, अब इसने एफ को तो दे दिया 7.4 6.4 8.6. एफ से बनाया पहले, एफ में क्या होगा? एक्सपोनेंट नहीं है, एफ में 7.4, 7 प्लेसेस है. ठीक है, तो जब 7.4 लिया, पहले संख्या में संख्याएं ही कितनी है? 4 1 5 6 7 8 9, 9 था. -193.4579, -193.4589, कितनी संख्याएं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएं हैं, और वो दे रहा है F7.4. तो एस्ट्रिक्स आएंगी वहां, 7 जगह पे क्या लिखा हुआ जाएगा एस्ट्रिक्स? यही उसने दिखाया है शुरू में, एक्सट्रिक्स आ गई. फिर 0.4589, इसके लिए उसने 6.4 दिया था, चलो हो गया. 6.4 में भी बेचारा क्या करता, डेसिमल के बाद तो 4 ही प्लेसेस थे, डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस थे, 4589 हो गया.
अगला माइनस 0.008946 डेसिमल के बाद सिक्स प्लेसेस हैं, वो भी सिक्स थे तो पूरे पूरे बैठ गए। अब कहता है कि बेटर फॉर्मेट क्या था, बेटर था अगर हम इसको 11.4 देते, 8.4, 11.6 बढ़ा के दो ताकि थोड़े से ब्लैंक स्पेसेस हो, प्रॉपरली स्पेस्ड हो। अब उसने 11 दिए तो 11 को देखो, यहाँ उसने कॉलम नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 को 1 और 0, 11 को 1 और 1 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद 8.4, 8 को, 8 का मतलब है अब 11 में, 11 और 8 19 तक पहुंचेगा, तो 11 के बाद 12वां कॉलम, 13वां, 14, 15, 16, 17, 18, 19, फिर 11 कॉलम और, 19 और 11 यानी 30, 30 तक के कॉलम हो गए बुक। 11 कॉलम में उसने ये संख्या लिखी है, 11.4 था डेसिमल के बाद के 4 प्लेसेस, 8.4, और ये रीडेबल हो गया। अब वो इसी को बता रहा है कि अगर हम इसमें ई दे देते सेम नंबर्स तो ई से ये प्रिंटिंग आती। तो ई टाइप फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन भी यूजफुल है। कब यूजफुल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में बहुत बार आ चुका। कब यूजफुल है ई टाइप फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन, तब यूजफुल है जब आपके पास डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू डी प्लस 7 हो। डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू डी प्लस 7, डब्ल्यू होती है विड्थ, मतलब आपको डब्ल्यू हर हाल में ग्रेटर देन इक्वल टू रखना पड़ेगा डी प्लस 7। आप कहते हो ई में 11.4 चल जाएगा क्योंकि 4 तो आपका डी होता है और ये होता है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू आपका जितना भी डी है ना उससे 7 बड़ा तो कम से कम चाहिए हर हाल में। क्यों चाहिए, क्योंकि 2-3 प्लेस, 4 जगह तो एक्सपोनेंट खा जाएगा और डी ने खुद ले लेनी है 4 जगह, तो 11 में से 4 गए, 7 बचे, 7 में से 4 तो यहाँ ही खप जाते हैं, तो 3 ही तो बचे डेसिमल से पहले के लिए, तो डेसिमल से पहले के, तो वो कहता है ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए क्योंकि एक्सपोनेंट ने खुद ने 4 प्लेसेस ले लेने हैं। तो कंडीशन है ये कि डब्ल्यू हर हाल में डी प्लस 7 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, ठीक है। क्यों, इसके पॉइंट्स हैं, ये 2 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ लिखा नहीं हुआ, क्यों चाहिए ये। पहली पहला पॉइंट, टू डिजिट्स ऑफ एक्सपोनेंट पार्ट, कि जो आपका ई है, मान लो मैं कहती हूँ ई 25, ये डिजिट्स हैं एक्सपोनेंट की, टू डिजिट्स ऑफ एक्सपोनेंट पार्ट, वन पोजीशन फॉर साइन ऑफ एक्सपोनेंट, और फिर वन फॉर ई सिंबल, वन फॉर सिंबल एंड वन पोजीशन फॉर द साइन ऑफ द एक्सपोनेंट, तो 4 हो गई इसकी पोजीशन प्लस या माइनस, तो 2 डिजिट्स फॉर द एक्सपोनेंट, डिजिट्स फॉर एक्सपोनेंट वैल्यू, वन फॉर द सिंबल कैपिटल ई एंड वन फॉर द साइन ऑफ एक्सपोनेंट, हो गया। फिर उसके बाद अगला पॉइंट, वन पोजीशन फॉर डेसिमल पॉइंट मेंटिसा का, वन पोजीशन फॉर साइन ऑफ मेंटिसा, मेंटिसा का अपना भी साइन होगा प्लस या माइनस, वन पोजीशन फॉर ए जीरो विच इज प्रिंटेड बाय मोस्ट प्रोसेसर्स बिटवीन द साइन एंड द डेसिमल पॉइंट ऑफ मेंटिसा। तो वो कहता है कि कम से कम, अब मान लो पॉइंट के बाद 8 लिख रहे हो तो 15 होना चाहिए ई, मान लो डेसिमल के बाद आप 8 कह रहे हो तो यहाँ 15 होना चाहिए, 7 बड़ा, तो इसके रीजन है, 7ों रीजन ये है, इसका रीजन क्या है दोबारा सुन लीजिए। हमारा W should always be greater than equal to D plus 7, क्यों, पहली कंडीशन एक प्लेस तो एक्सपोनेंट लेता है, दूसरी बात 2 प्लेसेस एक्सपोनेंट की डिजिट्स लेंगी, तीसरी बात एक प्लेस एक्सपोनेंट का साइन लेगा प्लस या माइनस कुछ भी हो, तो हो गया यहाँ तक, एक्सपोनेंट ने 4 प्लेसेस ले लिए। चौथी बात, मेंटिसा जो होता है शुरू में उसका साइन एक या एक पोजिशन लेगा प्लस या माइनस होगा। नेक्स्ट बात, डेसिमल जो है वो भी एक प्लेस लेगा खुद डेसिमल, तो 6 प्लेसेस तो यही हो गए, 4 ये और 5वां और 6ठा डेसिमल का प्लेस। 7 हम कह रहे हैं, 7 इसलिए क्योंकि एक प्लेस तो डेसिमल से पहले कुछ लिखेगा बंदा, मान लो तुम कह रहे हो ई डब्ल्यू डेसिमल डी, मान लो डी है आपका 8, तो डेसिमल के बाद तो तुमने 8 प्लेसेस पहले ही फिक्स कर दिए। अब उसके अलावा ई को भी तो चाहिए 4 जगह, ठीक है,
मेंटिसा के निशान के लिए चाहिए एक जगह डेसिमल खुद लेगा, डेसिमल के बाद क्या 8 जगह फिक्स है, 6 ही हो गई, और एक डेसिमल से पहले कोई डिजिट तो लिखोगे, 5 4 कुछ तो लिखोगे, आपकी वैल्यू 5.8 प्लेसेस डेसिमल के बाद है। और ई सपोज -25 है तो कुछ ये आएगा, एक निशान ले लो, तो 1 2 3 डेसिमल, 3 4 5 6 7, ये 7 प्लेसेस हैं जो फालतू चाहिए। ये 8 तो आप क्या ही रहे हो, ई डब्ल्यू डेसिमल डी, डी तो आपका 8 है, लेकिन बाकी डब्ल्यू 7 बड़ा होना जरूरी है। मेंटिसा का निशान, साइन ऑफ मेंटिसा, मेंटिसा ये पार्ट होता है पूरा, ये मेंटिसा होता है और वो एक्सपोनेंट होता है, एक्सपोनेंट के 4 प्लेसेस, मेंटिसा का साइन, मेंटिसा की डिजिट डेसिमल से पहले और डेसिमल, 3 जगह मेंटिसा को एक्स्ट्रा चाहिए, 4 जगह एक्सपोनेंट को चाहिए। तुमने डी को अगर 8 दे दिए तो इसको 7 जगह फालतू हर हाल में चाहिए मिनिमम, कम से कम। तो इसलिए वो कहता है कि डब्ल्यू हर हाल में ग्रेटर देन होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए डी +7। ये क्वेश्चन आया हुआ है और इसको आप तैयार करेंगे। ठीक है, आज हमारा लेक्चर यहीं तक। अब हम नेक्स्ट टाइम जब भी लेक्चर क्लास स्टार्ट होगी, हम मल्टी रिकॉर्ड फॉर्मेट्स करेंगे। इस पर क्वेश्चन आता है, इसमें से प्रोग्राम कम ही आता है, फॉर्मेटिंग पर सिर्फ ज्यादा क्वेश्चंस हैं, तो जैसे जैसे जो आपके काम का है वो करते जाएंगे, बाकी छोड़ देंगे हम। तो कल हम मल्टी रिकॉर्ड फॉर्मेट्स करेंगे।